नमस्कार, अजस्ट्रो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा, अजस्ट्रो मनी गुरु से मैं सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 19 अगस्त, वार है शनिवार। हम बात करेंगे यूक्रेन के गेहूं के बारे में। जी हां, यूक्रेन का अनाज निर्यात 33 लाख टन हो गया है। बीते जुलाई महीने से शुरू हुए वर्तमान विपणन सीजन 2023-24 की अभी तक की अवधि में यूक्रेन से अनाजों का कुल 33 लाख टन निर्यात हुआ है। ये जानकारी कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई है। मंत्रालय ने हालांकि एक साल पहले की आलोचना अवधि में हुए निर्यात की कोई तुलनात्मक आंकड़ा जारी भी नहीं किया है, लेकिन उसने ये कहा है कि 19 अगस्त 2022 तक अनाजों की 29.90 लाख टन मात्रा का निर्यात हुआ था। तो ये तो सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र समर्थित अनाज संधि से पिछले महीने रूस के बाहर होने के बाद से यूक्रेन का निर्यात प्रभावित हो रहा है, लेकिन कृषि मंत्रालय ने संधि के समाप्त होने के बाद से निर्यात ठप होने का भी आंकड़ा नहीं दिया है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको देश और दुनिया की सारी खबरें समय समय पर दे सकें। कृषि मंत्रालय ने इसमें आगे जानकारी दी है कि चालू अगस्त महीने में यूक्रेन से 10.30 लाख टन अनाजों का निर्यात हुआ था और इस सीजन में अभी तक कुल अनाज निर्यात में मक्की की 16 लाख टन, गेहूं की 13 लाख टन और जौ की 3.97 लाख टन मात्रा शामिल है। सीजन 2022-23 में यूक्रेन से अनाजों का कुल करीब 4.90 करोड़ टन निर्यात हुआ था। ये निर्यात इससे पूर्व सीजन में हुए 4.84 करोड़ टन निर्यात की अपेक्षा काफी ऊंचा है। यूक्रेन पर रूस द्वारा हमला किए जाने के परिणाम स्वरूप वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के लिए, यानी कि उसे सॉल्व करने के लिए, और यूक्रेन की बंदरगाहें ठप होने की वजह से पिछले साल के जुलाई महीने में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के नेतृत्व में हुई संधि के तहत यूक्रेन का अधिकतर अनाज गहरे निर्यात काला सागर बंदरगाहों के माध्यम से हुआ था। दोस्तों, अजस्ट्रो मनी गुरु 42 कम्युनिटीज़ पर काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको हर जानकारी देते हैं। किसी भी पेड जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ज़रा भी ना भूलें। नमस्कार।